ठीक है, एक्सरसाइज 12.3। क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द which divide the join of first number है 2 -3 1 and 3 4 5 internally and externally and externally in the ratio of 1/3 internally and externally in the ratio of 1/3। तो बस इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लग जाएगा। सबसे पहले इंटरनल ए बी पी 1/3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ए का कोऑर्डिनेट 2 -3 1, बी का कोऑर्डिनेट 3 4 5, पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। तो पहला हो गया इंटरनल डिवीजन। फॉर्मूला लगेगा एक्स इक्वल टू 1 × 3 प्लस 3 × 2 डिवाइडेड बाय 4, तो मतलब 3 + 6 हो गया 9/4। y इक्वल टू बनेगा 1 × 4 प्लस 1 × 4 प्लस 3 × -3। मतलब 1 + 3, तो यहां पर हो गया 4 - 9 मतलब -5/4। नेक्स्ट हो गया z इक्वल टू 1 × 5 3 × 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1 मतलब 4। तो हमारे पास हो गया 5 + 3 8/4 मतलब हो गया 2। तो P का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 9/4 -5/4 एंड 2। ये बन गया इंटरनल डिवीजन का। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल डिवीजन का लगा रहे हैं। ए बी ये हो गया क्यू। ए का कोऑर्डिनेट है 2 - 3 1 3 4 5, क्यू का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई जेड। सेम फॉर्मूला, बस बीच में माइनस लग जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स इक्वल टू 1 × 3 -3 × 2 अपॉन 1 - 3, तो बना 3 - 6 मतलब -3 / -2 मतलब ये हो गया 3/2। नेक्स्ट हो गया वाई, वाई इक्वल टू बनेगा 1 × 4 माइनस प्लस हो गया 3 × 3 अपॉन 1 - 3, तो ये हो गया 4 + 9 मतलब -13/2। नेक्स्ट हो गया जेड, जेड इक्वल टू हो गया 1 × 5 -3 × 1 अपॉन 1 - 3, तो 5 - 6 हो गया -1 / -2 मतलब 1/2। तो
क्यू का कोऑर्डिनेट हो गया 3/2 माइनस 13/2 एंड 1/2, ठीक है, 3/2 माइनस 13/2 एंड 1/2, ठीक है। तो पहला हो गया 9/4 माइनस 5/4 टू, दूसरा है 3/2 माइनस 13/2 माइनस, एक मिनट, माइनस 1 होना चाहिए, 6 माइनस 5 हो गया 1 अपॉन, नहीं इसका आंसर तो दिया है माइनस 1, तो मतलब 1 × 5 माइनस 3 × 1, दूसरा वाला ठीक है, ये 2 है, 9/4 माइनस 5/4 एंड 2, दूसरा 3/2 माइनस 13/2 एंड माइनस 1, माइनस 1 कैसे आएगा, 5 माइनस 6, अच्छा 5 माइनस 3 है, ये है 1, तो 5 माइनस 3 हो गया 2, 2/2, ये प्लस 2 हो गया, तो ये बन गया हमारा माइनस 1, तो इस वजह से ये वाला हो गया हमारा माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 1, एंड 2 का 2 भी सेम पैटर्न में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी सेम पैटर्न में है, वो तुम लोग कर लेना। हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूं, मैंने अनम्यूट कर दिया है, अगर किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है, ठीक है। जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखूंगा तुम लोग साथ के साथ, हाँ ये बिल्कुल आसान टॉपिक है, वो वही जो 9th-10th वाला जो कंसेप्ट है ना, रिसेक्शन फॉर्मूला वाला, बस वही लग रहा है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Find the coordinates of the point which trisect PQ where P का coordinate है 2, 1, -3 2, 1, -3 एंड 5, -8, 3, ठीक है, 2, 1, -3 एंड 5, -8, 3, ठीक है। तो ट्राइसेक्ट कर रहा है पी क्यू को, मतलब किस टाइप से हो जाएगा, पी क्यू ए बी, ट्राइसेक्ट करने का मतलब इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ट्राइसेक्ट करने का मतलब 3 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है, ये बन गया 2, 1, -3, ये हो गया 5, -8, 3, ठीक है। अब इधर का मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो बन जाएगा, ए को मैं लिख रहा हूं x1 y1 z1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, ठीक है। तो कंडीशंस क्या क्या है, पहले तो कंडीशंस ये है कि पहले ये इसको 1/2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। पॉइंट ए डिवाइड्स PQ इन द रेशियो 1/2, ठीक है। तो सबसे पहले A के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल रहे हैं, ठीक है।
सबसे पहले हम ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा के ए के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो बन जाएगा एक्स वन इक्वल टू वन इंटू फाइव प्लस टू इंटू टू डिवाइडेड बाय थ्री, तो मतलब फाइव प्लस फोर हो गया नाइन बाय थ्री, मतलब थ्री। वाई वन इक्वल टू वन इंटू माइनस एट प्लस टू इंटू वन डिवाइडेड बाय थ्री, तो माइनस एट प्लस टू माइनस सिक्स बाय थ्री, मतलब माइनस टू। जेड वन इक्वल टू वन इंटू थ्री प्लस टू इंटू माइनस थ्री डिवाइडेड बाय थ्री, तो थ्री माइनस सिक्स मतलब माइनस थ्री बाय थ्री हो गया माइनस वन, तो मतलब ए का कोऑर्डिनेट हो गया थ्री टू माइनस वन। नेक्स्ट है पॉइंट बी डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो टू रेशियो वन, इन द रेशियो टू बाय वन, ठीक है। तो टू बाय वन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये बन गया टू, ये बन गया वन, ठीक है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में हो जाएगा एक्स टू इक्वल टू टू इंटू फाइव प्लस वन इंटू टू अपॉन थ्री, तो बना टेन प्लस टू हो गया ट्वेल्व, ट्वेल्व अपॉन थ्री मतलब फोर। वाई टू इक्वल टू टू इंटू माइनस एट प्लस वन इंटू वन अपॉन थ्री, तो माइनस सिक्सटीन प्लस वन माइनस फिफ्टीन बाय थ्री, मतलब माइनस फाइव। जेड टू इक्वल टू हो जाएगा टू इंटू थ्री प्लस वन इंटू माइनस थ्री डिवाइडेड बाय थ्री, सिक्स माइनस थ्री हो गया थ्री, थ्री बाय थ्री हो गया वन, तो मतलब बी का कोऑर्डिनेट बन गया फोर माइनस फाइव वन, ठीक है, फोर माइनस फाइव वन। तो आंसर हो गया फोर माइनस फाइव वन, पहला थ्री माइनस टू, एक मिनट, थ्री माइनस टू माइनस वन, अच्छा यहाँ माइनस टू था, यहाँ माइनस नहीं लिखा, पहला है थ्री माइनस टू माइनस वन, दूसरा फोर माइनस फाइव वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड द रेशियो Find the ratio in which the join of points P 2 minus 1 3 and Q 4 3 1 is divided by the point R, ये दिया है 20 by 7, next है 5 by 7, तीसरा है 15 by 7, ठीक है, 20 by 7, 5 by 7 and 15 by 7, ठीक है। तो P और Q को R जो पॉइंट है कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमको देखना है, ठीक है। P Q बीच में आ गया R, ठीक है। P का कोऑर्डिनेट है 2 माइनस 1 3, Q का कोऑर्डिनेट है 4 3 1, नेक्स्ट हो गया 20 बाय 7
5/7, 15/7, ठीक है, रेशियो हो गया के अपॉन वन, ठीक है, रेशियो हो गया के अपॉन वन। तो मतलब हमारे पास क्या बनेगा, 4k + 2 upon k + 1 इक्वल टू 20/7, ठीक है। मतलब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पॉइंट आर जो है वो पी क्यू को के अपॉन वन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया 28k + 14 इक्वल टू 20k + 20। तो हमारे पास हो गया 8k = 6, k = 3/4। अगर k नेगेटिव हो जाता तो ये बन जाता है एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। तो k हो गया हमारा 3/4, ठीक है। उसी तरीके से एक बार दूसरे के लिए भी देख लो, तो बनेगा y कोऑर्डिनेट के लिए 3k - 1 upon k + 1 इक्वल टू 5/7। तो बन गया 21k - 7 इक्वल टू 5k + 5। तो हमारे पास हो गया 21k - 5k इक्वल टू 7 + 5। 21 - 5 मतलब 16k इक्वल टू 12, मतलब k सभी केसेस में 3/4 आ रहा है, ठीक है। दो बार हमने इसलिए इसको चेक कर लिया कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, ठीक है। तो k की वैल्यू हो गई हमारी 3/4, ठीक है। नेक्स्ट आ रहे हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5, नोट करते जाओ जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सेम पैटर्न का है। इफ पी -1 - 1 - 1 एंड क्यू 1 3 2 एंड आर 5 11 8 are 3 points on straight lines, ठीक है, find the ratio in which point Q divides, point Q divides PR, ठीक है। तो बिल्कुल सेम पैटर्न है जैसा अभी हमने किया है, सेम ही पैटर्न में यहां भी हमको उसका रेशियो को निकालना है, ठीक है। तो फाइंड द रेशियो इन विच क्यू डिवाइड्स पी आर, ठीक है। अगर माइनस में आएगा क्यू डिवाइड्स पी आर, बीच में कहीं पे आ गया क्यू, पैटर्न वही है हमारा। पी का कोऑर्डिनेट -1 - 1 - 1, आर का कोऑर्डिनेट 5 11 8, क्यू का कोऑर्डिनेट 1 3 2। सेम पैटर्न है, के अपॉन वन का रेशियो ले लेंगे तो बन जाएगा के इंटू 5 + 1 - 1 डिवाइडेड बाय के प्लस वन इक्वल टू क्या बन जाएगा 1। तो बन गया 5k - 1 = k + 1, 4k = 2, k = 1/2, k
के इक्वल टू वन अपॉन टू हो गया। नेक्स्ट सेकेंड के लिए एक बार और दूसरे कोऑर्डिनेट के लिए भी वेरीफाई कर लेते हैं, के इंटू 11 प्लस 1 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय के प्लस 1 इक्वल टू 3, तो बन गया 11 के माइनस 1 3 के प्लस 3, तो यहां पर हो गया 8 के इक्वल टू 4, मतलब के इक्वल टू 1/2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला Using section formula, prove that the 3 points minus 4, 6, 10, next ho gaya 2, 4, 6 and 14, 0, minus 2, 14, 0, minus 2 आर कोलिनियर। तो मतलब हमने प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो किस हिसाब से होगा वही हमको देखना है। तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम रख ले रहे हैं, पहले पहला हो गया P, दूसरा Q, तीसरा R। तो P का कोऑर्डिनेट है माइनस 4, 6, 10, 2, 4, 6, 14, 0, माइनस 2। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये कोलिनियर है और सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना है, तो हम ये अज्यूम करेंगे लेट पॉइंट क्यू डिवाइड्स पी आर इन द रेशियो के रेशियो 1। ठीक है, तो के अपॉन 1 के रेशियो में उसको डिवाइड कर रहा है। अब के अपॉन 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अगर यहां पे सब आ रहा है, मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, अगर तीनों जगह के की वैल्यू सेम आ रही है, तो मतलब लाइंस जो हो गए वो हो गए कोलिनियर। तो बन जाएगा 14 के माइनस 4 अपॉन के प्लस 1 इक्वल टू 2, तो यहां पे हो गया 14 के माइनस 4 2 के प्लस 2, तो बन गया 12 के इक्वल टू 6 के इक्वल टू 1/2। ये हो गया पहले फॉर एक्स कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट है सेकेंड फॉर वाई कोऑर्डिनेट, फॉर वाई कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, यहां बनेगा के इंटू 0 प्लस 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाय के प्लस 1 इक्वल टू 4, तो बना 6 इक्वल टू 4 के प्लस 4, 4 के इक्वल टू 2, के इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट थर्ड नंबर फॉर Z कोऑर्डिनेट, फॉर Z कोऑर्डिनेट ये हमारे पास हो गया K इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय K प्लस 1 इक्वल टू
डिवाइडेड बाय के प्लस वन इक्वल टू क्या हो गया 6। तो हमारे पास हो गया माइनस टू के प्लस 10, 6k + 6, 8k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो तीनों जगह k की वैल्यू सेम है, x, y और z कोऑर्डिनेट में तीनों जगह k की वैल्यू सेम है, तो तीनों जगह सेम होने की वजह से पॉइंट्स P, Q, R आर कोलिनियर, पॉइंट्स P, Q, R आर कोलिनियर एंड पॉइंट Q डिवाइड्स PR इन द रेशियो 1/2। इन द रेशियो 1/2। नेक्स्ट हो गया हमारा, 2 मिनट है, क्वेश्चन और हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी जल्दी नोट करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एक मिनट रुक जाओ